बहुत सारे वीडियोस में पता है पेनिस मसाज के बारे में वीडियो बनाई है, तो बहुत लोगों ने ये मेल किया है कि मैम क्या करूँ, मसाज के दौरान तो फिर हैंड प्रैक्टिस हो जाता है, मतलब कि मैं करने जाता हूँ मसाज और मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत बार तो ये भी हो जाता है कि हम मसाज करने जा रहे हैं और इतना ही फील हो रही है कि फिर हमने हैंड प्रैक्टिस कर लिया, अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम ऐसा क्या करें कि मसाज ही करें और हमारा हैंड प्रैक्टिस ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और ये भी बताने वाले हैं कि कौन सा तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट में इसे बहुत सारे ऑयल तो मिलते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि आप पहले ही अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करो कि मैं मसाज देने जा रहा हूँ और ये मेरे लिए एक ट्रीटमेंट है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप हैंड प्रैक्टिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो ना, तो दिमाग सबसे पहले प्रिपेयर हो जाता है। दिमाग जब प्रिपेयर होता है ना, तो दिमाग से आपके काम शुरू करने से पहले ही यहाँ से ना हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, आपके लिंग में ब्लड फ्लो जाना शुरू हो जाता है, और आपके हैंड प्रैक्टिस करने से पहले ही आपका जो इरेक्शन है वो आ जाता है। यानी कि आप अपना काम शुरू करो उससे पहले ही अपना दिमाग काम करना शुरू कर देता है, आपकी बॉडी फिर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो पहले यहाँ से आपको सोचना है कि मुझे हैंड प्रैक्टिस नहीं करनी है, मुझे अपने ट्रीटमेंट को करना है। यानी कि मैं जो मसाज देने जा रहा हूँ वो मेरे लिए ट्रीटमेंट है, ताकि आगे जाके मुझे इरेक्शन इशू ना हो, आगे जाके मुझे पी की प्रॉब्लम ना हो, या आगे जाके मैं लंबा बेड पे टिक सकूँ, है ना। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप हैंड प्रैक्टिस जब आप करते हो ना, तो उसके लिए दो दो तीन तीन पाँच पाँच मिनट का वक्त लगता है, बट मसाज आपको दो दो पाँच पाँच मिनट तक नहीं करना है। 1 मिनट मोर देन एनफ, 1 मिनट का वक्त भी काफ़ी अच्छा होता है, और आप 1 मिनट से पहले भी कर सकते हो। नेचुरली आपको थोड़ा सा बूंद अपने हाथों में लेना है और अपने लिंग की ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक हल्का सा मसाज करना है, फिर उसको छोड़ दो। दिन में 2 बार आप करोगे तब भी बहुत है, बट ध्यान रखने वाली बात है कि वो ऑयल ऐसा होना चाहिए जिससे आपको साइड इफेक्ट ना करे। फिर समझ में आया कि आप करने गए कुछ और हो गया कुछ और, आप मुझे भर के गाली दो, नहीं, अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है कि लंबे वक्त तक मसाज नहीं करनी है, क्योंकि जब आप लंबे वक्त तक अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथ फेरोगे ना, तो हो सकता है फिर आपको सेंसिटिविटी आ जाए, और हो सकता है कि आप अपने आप को कंट्रोल ना करो, क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। तो इसीलिए वहाँ पे जब आप टच करना शुरू करोगे ना, तो हो सकता है कि आपको फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए। तो इसीलिए फीलिंग्स को नहीं बढ़ानी है, कुछ सेकेंड का भी हो, यानी कि अगर आप 30, 40, 50 सेकेंड तक भी करो तब भी बहुत है, बट लंबे वक्त तक नहीं करना है, क्योंकि लंबे वक्त तक टच करोगे तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा आपके हैंड प्रैक्टिस में। तो हमें कन्वर्ट नहीं करानी है, हमें ट्रीटमेंट ही देनी है। तो पहली बात, कुछ सेकंड के लिए करो। दूसरी बात, टेक्निक जाननी बहुत ही ज़रूरी है कि किस टेक्निक में हमें मसाज देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप हैंड प्रैक्टिस करते हो ना, आपका प्रेशर आपके हाथों में होता है। मान लीजिए सपोज टू बी कि ये आपका जो है वो आपका प्राइवेट पार्ट है ना, ये आपका प्राइवेट पार्ट है, तो जब आप इसको ऐसे टच करते हो ना, तो आपका प्रेशर आपके हाथ में होता है, और इसको ऐसे आप अपने पसंद के प्रेशर से इसको आप पकड़ते हो और फिर फ्रिक्शन देते हो, यानी कि ऊपर नीचे करते हो, जिससे आपका सेंसेशन बढ़ता है, आपका जो फीलिंग है बढ़ता है, फिर आप डिस्चार्ज करते हो। मसाज का टेक्निक बिल्कुल अलग होता है, प्रेशर नहीं देनी होती है, बिल्कुल हल्के हाथों से अपने फिंगर के टिप से ऐसे बस इसको टच करना होता है, और फिर धीरे धीरे मसाज करनी होती है ऊपर से नीचे तक, नीचे से हल्के हाथों से ऊपर तक, और कैप सेक्शन को ऐसे मसाज देनी होती है, ख़त्म। मैंने डिटेल्स पे कैसे टेक्निक करनी चाहिए, कौन से टेक्निक मसाज करनी चाहिए मैंने बताई है, वो वीडियो चाहो आप देख सकते हो, काफ़ी पॉपुलर वीडियो है मेरे चैनल पे। तो मसाज करने का तरीका अलग होता है और हैंड प्रैक्टिस करने का तरीका अलग होता है, दोनों तरीके को मिला दोगे भाई कुछ भी नहीं होगा, मसाज तो होगा ही नहीं, उल्टा डिस्चार्ज हो जाएगा, और फिर आप मुझे गाली दोगे मैम ने सही तरीके से सिखाया ही नहीं। तो इसीलिए नंबर 1 शॉर्ट टाइम के लिए करो, नंबर 2 सही टेक्निक से करो, प्रेशर नहीं देनी है। अगर आप प्रेशर दे दोगे ना, तो हो सकता है आपका सेंसेशन बढ़ने लगे और फिर आपका मन करे कि आप डिस्चार्ज कर दो। तीसरी बात,
सही तेल का इस्तेमाल। अगर आप चिपचिपे कई गाढ़ा वाला तेल का इस्तेमाल करोगे ना, तो हो सकता है कि आपके स्किन के ऊपर आपको बहुत प्रेशर देके टच करना पड़े, और हो सकता है कि आपको वो फ़ायदे की जगह नुकसान कर जाए। मसाज आप दे रहे हो अपने वेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इरेक्शन को बेटर बनाने के लिए, और वो तेल आपको नुकसान कर जाए। तो कौन सा तेल का इस्तेमाल करना है? आपको ऐसा कोई तेल इस्तेमाल करना है जो इसके मसाज के लिए ही आता हो। चाहो तो आप जैतून का तेल, तिल का तेल, या फिर आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए और वो बिना केमिकल वाला होना चाहिए। पर समझे कैसे कि वो ऑर्गेनिक है का बिना केमिकल वाला है? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नेचर मनिया का ये लिफ्ट अप ऑयल का इस्तेमाल करो। ये जो लिफ्ट अप ऑयल है, इसमें जितनी सारी इंग्रेडिएंट्स हैं खास तौर से ऐसे ही बनाए गए हैं कि आप अपने पेनाइल हेल्थ को इम्प्रूव कर सको, इरेक्शन को इम्प्रूव कर सको, आपके साइज में, आपके गर्थ में ये इम्प्रूवमेंट लाए, और आपका जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो। इसमें दालचीनी, लौंग, जायफल, खसखस, शिराजीत, अकरकरा, शतावरी, ज्योतिषमती, मुसली, गोखरू, कंच, अश्वगंधा और तिल का तेल है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पसाज के लिए फ़ायदेमंद करेगा। बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट नहीं करने होंगे, कुछ ड्रॉप से ही आपका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लिफ्टअप के कैप्सूल का भी इस्तेमाल करो। इसमें अश्वगंधा, सफ़ेद मुसली, शतावरी और लौंग है, जो बहुत ही तेज़ी से आपकी बॉडी में इरेक्शन को इम्प्रूव करने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो ब्लड फ्लो है, उसको बढ़ाता है, उसको प्रोड्यूस करता है। नेचुरली जब की इरेक्शन लेवल है वो इम्प्रूव होती है, और आपका ऑल ओवर सेक्सुअल हेल्थ इम्प्रूव होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका इरेक्शन इम्प्रूव हो, आप लंबे समय तक कर सको, और आपका साइज और ग्रेथ में भी आपको इम्प्रूवमेंट आए। इसी बात आप मसाज को तब करो जब आपने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा हो, कोई ऐसा कुछ सोचा ना हो, आप बिल्कुल ही शांत हो, और वो सबसे अच्छा वक्त वो होता है जब आप नहा के आए हो। उस टाइम पे आपकी बॉडी काफ़ी रिलैक्स्ड होती है, आपका मेंटल स्टेट भी काफ़ी अच्छी लेवल पे होता है, और उस टाइम पे आप अपनी मसाज के ऊपर फोकस कर पाते हो। अदरवाइज आप जब सोने जाते हो उसके पहले भी आप मसाज कर सकते हो। उस टाइम पे चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका जो कन्वर्शन है वो हैंड प्रैक्टिस के तरफ ना जाए। ये कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो ना, तो श्योर कि आपका जो मसाज है वो हैंड प्रैक्टिस में नहीं बदलेगा, और आप कायदे के साथ और फायदे के लिए अपने मसाज को कंटिन्यू कर पाओगे। तो द कंक्लूजन इज, नंबर वन, शॉर्ट टाइम के लिए करो। नंबर टू, प्रेशर देके मत करो, हल्के हाथों से करो, टेक्निक मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताई है। एंड नंबर थ्री, उसी टाइम पे करो जब आप दिमागी तौर से शांत हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।